हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय टू चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ अपना एक नया ब्लॉग लेकर प्यारी कपल चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी सॉरी, सर्दियाँ बहुत, मतलब बढ़ गई है सर्दी हर जगह पे, और मौसम चेंज होने के कारण तबीयत भी सबकी ख़राब हो रही है। मेरी भी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, खांसी बहुत तेज है। तो सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा अगर सॉरी। तो ये वीडियो थोड़ा मेरे पहले का शूट कर रखा है मैंने, बट अभी तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी जो अलमारी है उसको सेट करने, क्योंकि 10 दिन में, 1 हफ्ते में जो अलमारी है वो ख़राब हो ही जाती है। डेली हम लोग कपड़े उठाते हैं, निकालते हैं, रखते हैं तो हो जाती है। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अलमारी सेट कर रही हूँ, सारे जो कपड़े थे बिखरे हुए उसको सबको मैं सही कर रही हूँ। और इन सबको सही करने के बाद मैं सुबह सुबह लग गई काम में, खाना बनाने के बाद इधर, क्योंकि दिन छोटा करता है, बहुत जल्दी दोपहर हो जाती है और काम हो नहीं पाता है इसकी वजह से। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ थोड़ा सा भी लेट होता ना तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया, फिर मैं आधा काम छोड़ छाड़ देती हूँ। इसलिए मैं सुबह से लग गई हूँ ताकि मेरा काम टाइम पर कम्प्लीट हो जाए। नीचे वाली अलमारी फिर भी ठीक है, ऊपर वाली ज़्यादा ही उलझ पुलझ हो गई। और जो मेरा लकड़ी का बॉक्स है कपड़े रखने का, वो भी काफ़ी इधर उधर हो चुका है। साड़ियाँ मैंने जो पहन रही थी शादी में वो सारी इधर उधर हो रखी है, सबको मेरे को सही करके रखना है। तो सोच रही हूँ आज सबको सही कर लेती हूँ, मुझे बस एक साड़ी जो निकालनी है, जो वही साड़ी छोड़ूंगी, बाकी मैं सब कुछ रख दूँगी सारा सामान। और यहाँ पर मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, वो अभी गए नहीं हैं दुकान पर, अभी वो खाना खा रहे थे, तो बस उनसे ही बातें कर रही थी। और बातें करते करते काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और मेरे से बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी नहीं बोल, तब पर भी मैं बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो है जो नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब, तो फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि जो मेरा वीडियो है डेली का एक वीडियो भी नहीं जा रहा है हर एक चैनल पर, तो इसकी वजह से मेरे व्यू भी बहुत रुक गए हैं। तो मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जिस जिस चैनल पे मेरा ज्वाइन बटन है तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है ना, मैं फोर्स तो नहीं कर सकती, बस बोल सकती हूँ कि हाँ आप मुझे सपोर्ट करिए मुझे ज्वाइन करके। और हे भगवान, तो यहाँ पर ये खाना खा लिए, बस दुकान पे दुकान के लिए निकलने को रेडी हो गए हैं, मतलब हो ही रहे कंघी वगैरह कर रहे हैं। और ये पहले की वीडियो है, अब तो ये गंजे हो चुके हैं, बाल सारे उतर गए हैं लोगों के, इनके भी बाबू के भी, तो दिखाऊंगी मैं अभी के फ़िलहाल के वीडियो में। आज शूट करूंगी मैं हस्बैंड के साथ और बाबा बेटे के साथ वीडियो। और आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास क्रिसमस के ऊपर कोई स्पेशल सा ब्लॉग बनाने के लिए, तो ठीक है मैं क्रिसमस के ऊपर एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी, उम्मीद भी करूंगी कि आप लोग को अच्छा लगेगा,
कोशिश पूरी करूँगी, बट मुझे नहीं पता कि क्रिसमस में क्या क्या ऐसा कुछ करते हैं। मैं कभी सेलिब्रेट नहीं करती हूँ क्रिसमस तो, बट कोशिश करूँगी, है ना। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और बैटरी मेरा सही हो गया है, रूम अभी ठीक नहीं हुआ है तो चलती हूँ अभी। खाना वाना जो इन्होंने खाया है वो सब बर्तन हटाऊँगी, फिर कपड़े धोने के लिए लेकर जाऊँगी क्योंकि कपड़े भी काफ़ी हैं धुलने के लिए। और मन नहीं करता ठंड में ना कोई भी काम करने का, एक बार अगर बिस्तर में घुस जाओ तो बस ऐसा लगता है बैठे रहो बस चाय पीते रहो, कोई चाय देते रहे बना कर, काम ना करने पड़े। तो यहाँ पर मैं बर्तन उठा लेती हूँ और देखिए वो उस टाइम क्या है जब मैं सॉक्स पहन रखी जो इतनी ठंड पे नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती, मुझे बहुत में ठंड लग रही है और शायद तबीयत ख़राब की वजह से ज़्यादा लग रही होगी। यहाँ पर मैंने कपड़े ले लिए, चलिए अब मिलती हूँ आपसे बाद में, चलिए हम धुलते हैं कपड़े। तो आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए और गर्म कपड़े भी हैं, ऊन के कपड़े भी हैं, कॉटन के कपड़े भी हैं, पानी है थोड़ा सा गर्म है, गर्म कपड़े में रहते हैं मैल अच्छे से निकल जाता है, कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। सबसे पहले ईजी होगी तो मैं वही करती हूँ, उसके लिए जितने ऊन के कपड़े होते हैं ईजी में डालती हूँ, उसके बाद में मैं कॉटन वाले कपड़े सर्दी में डालती हूँ। यहाँ पर भी वो कर रही हूँ, पहले होगी स्टॉल जैकेट है अपने पर्स में, मैं इसी में भी वॉश करूँगी इस बार, ये यहाँ पे पर्स लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे इसमें ले लीजिए, मुझे को लगा कि ऐसे एक्स्ट्रा तो मैं रख लिया। पहले जैकेट ही डाला है बाबू को धोने के लिए और गेट मैंने इधर से बंद कर लिया क्योंकि बाहर से हवा आती है बहुत ज़ोर ज़ोर से और ठंड से और ज़्यादा लग जाती है, अंदर में ऐसे लग भी नहीं होती क्योंकि इतनी ठंड नहीं थी जिस टाइम मैं का वीडियो भी देखी, जितनी कि अभी हो रखी है, अभी फिलहाल में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो रखा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग के यहाँ भी ठंड बढ़ गई है ना। तो अभी तो मैं इस जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और देख रही हूँ अपने आप को बारह, तो मुझे ठंडी ठंडी सी लग रही है। तो चलिए वीडियो को आप लोग इंजॉय करिए और मुझे सपोर्ट करिए, बार बार मैं यही बोलती हूँ आप लोगों से और आप लोग सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट पढ़कर, आप लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बस आप लोगों की सपोर्ट की उम्मीद करके ही मैं वीडियो बना डालती हूँ। तेरा वही खाने का ही झंझट हो जाता है ना, सवेरे खाया नहीं जाता है, ये सब कैसे नहा धो जाए दुकान साफ सुथरा कर ले, अब आगे कल खा ले देखना चाहते हैं जा रहे हैं, चले मैं गेट बंद कर लूँगी, मैं आराम से आराम से मैं काम करूँगी क्योंकि जब ये रहते हैं तो कभी पानी दो कभी नाश्ता दो कभी कुछ कभी कुछ होता ही रहता है, ये सामान का है वो सामान का है, तो अब मैं आराम से टेंशन फ्री होकर अपना काम करूँगी और टेंशन नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, होप कि आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो उसके लिए एक लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा मेरी मेहनत के लिए, और इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ और हर कोई लेकर आता है जो भी ब्लॉग करता है डेली का, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी ब्लॉग को डालना ही डालना है, तो ये हमें काफ़ी काम तो काम ही होता है।